हेलो एवरीवन, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना जो टॉपिक था वो सीड का था और आज का लेक्चर भी हमारा सीड पर ही रहेगा। सीड का हमने बेसिक बेसिक देख लिया कि सीड की डेफिनेशन क्या है, मोनोकोट क्या होता है, डाइकोट क्या होता है, उसका बेसिक हमने पहले डिस्कस कर लिया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक होगा हमारा सीड पर रहेगा और आज अपन पढ़ेंगे सीड डोरमेंसी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर होगा। आज का लेक्चर होगा हमारा बच्चों सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी, और इसको अपन हिंदी में कहते हैं बीज सुषुप्तावस्था, बीज सुषुप्तावस्था। देखो बच्चों, बीज सुषुप्तावस्था क्या होती है? सबसे पहले तो हमें इसको समझना होगा कि ये शब्द कहना क्या चाहता है, कि बीज के साथ ऐसी कौन सी अवस्था होती है ताकि उसको हमने क्या नाम दे दिया, सुषुप्त अवस्था नाम उसको दे दिया। तो बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बीज को या बीज का जो जर्मिनेशन होता है तो उसको सुचारू रूप से, उसका जीवन जो सुचारू रूप से चलता है तो मोस्टली उसको क्या क्या चाहिए। तो हमने देखा था उसके लिए नमी, ताप और वायु, नमी ताप और वायु, ये मोस्टली क्या चाहिए बीज को, पर्टिकुलर ये चीजें चाहिए। यदि ये नहीं मिलेंगी तो बीज का क्या नहीं होगा, बीज का जर्मिनेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चों? बीज का जर्मिनेशन नहीं होगा। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। लेकिन अब क्या होता है कि पर्टिकुलरली ये सभी फैसिलिटी यदि बीज को मिलती है, सभी फैसिलिटी बीज को मिल रही है, नमी मिल रही है, ताप मिल रहा है और वायु भी मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी बीज का क्या नहीं होता, अंकुरण नहीं होता। क्या नहीं होता? बीज का अंकुरण नहीं होता। और वही स्टेज क्या होती है बच्चों? बीज सुषुप्तावस्था। क्लियर है? दोबारा से सुन लीजिए, सीड डोरमेंसी की यहां पर यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं, किसकी बात करूं, डेफिनेशन की, तो देखो बच्चों डेफिनेशन के यहां पर बात करूं कि अनुकूल परिस्थितियों में भी बीज का अंकुरण नहीं होना। डेफिनेशन को लिख सकते हो आप अनुकूल परिस्थितियों। तो देखो बच्चों, अनुकूल परिस्थितियां क्या होती है, ये कोष्टक में आप लिख सकते हो नमी ताप और वायु। अनुकूल परिस्थितियों में भी बीज का अंकुरण नहीं होना क्या कहलाता है बच्चों? सीड डोरमेंसी कहलाता है, बीज सुषुप्त अवस्था कहलाता है। ओके, ये हो गया इसकी डेफिनेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी, इसको अपन डोरमेंसी पीरियड भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है डियर, डोरमेंसी पीरियड कि एक ऐसी अवस्था होती है, इसके अलग अलग क्या होते हैं प्रकार। अब बीज सुषुप्ता होती है ये तीन प्रकार से होती है, इसके तीन टाइप। फर्स्ट टाइप होगा यहां पर बच्चों प्राइमरी, फर्स्ट टाइप क्या होगा, प्राइमरी डोरमेंसी। ठीक है, अब प्राइमरी जो डोरमेंसी है उसको दूसरा नाम यहां पर हमने दे दिया इनोएंट। क्या नाम दे दिया बच्चों? इनोएंट। दोनों नाम आपको याद होनी चाहिए। प्राथमिक सुषुप्त अवस्था, इसको अपन और किस नाम से डिफाइन करते हैं, तो इनोएंट। डाउट क्लियर? अब जो प्राथमिक सुषुप्त अवस्था है ये आनुवांशिक गुणों के कारण होती है। किसके कारण होती है बच्चों? आनुवांशिक गुणों के कारण होती है, आनुवांशिक गुणों के कारण होती है। डाउट क्लियर है अपना? जेनेटिक्स इफेक्ट होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं ना, वही चीज क्या है, आनुवांशिक गुण। अब देखो आनुवांशिक गुण कौन कौन से बच्चों, तो एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करें कि आनुवांशिक गुण कौन कौन से है, तो देखिए कठोर बीजावरण फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनता है एग्जाम्पल का, कठोर बीजावरण। देखो बच्चों कठोर बीजावरण कैसे, ये अपने पास क्या है, एक बीज है। ये क्या है अपने पास, एक बीज है। अब बीज के ऊपर जो आवरण होता है ना लास्ट में यहां पर, वो चीज क्या है, बीजावरण।
वो कैसा होता है, मजबूत होता है, कठोर होता है, स्ट्रोंग होता है। अब यदि ये बीजाणु मजबूत है तो इसका अंकुरण नहीं होगा, क्लियर है। जर्मिनेशन मतलब नई शाखाएं जो निकलेंगी वो नहीं निकलेंगी, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है, दबाव लगा हुआ है, और यदि दबाव लगा हुआ है तो कोई भी शाखा वहां पर, कोई भी शीर्ष शाखा वहां पर नहीं अपनेगी। ठीक है बच्चों, तो पहला रीजन क्या हो गया, कठोर बीजावरण। दूसरा है भ्रूण का अपरिपक्व होना, भ्रूण का अपरिपक्व होना, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि बीज क्या हो गया, अपंग हो गया, उसके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आंख नहीं है, कोई भी भाग उसमें पूर्ण नहीं है, तो उसको हमने क्या कह दिया बच्चों, अपरिपक्व। तो भ्रूण यहां पर क्या होता है, अपरिपक्व। ठीक है, ये दोनों रीजन हो गए। अब सेकंड टाइप की यहां पर बात करते हैं बच्चों, सेकेंडरी, सेकेंडरी डोरमेंसी, सेकेंडरी डोरमेंसी, द्वितीय, द्वितीय सुषुप्त अवस्था, और इसका दूसरा नाम होता है इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड। देखो जो इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित होना, इंड्यूस्ड का हिंदी अर्थ क्या होता है, प्रेरित होना। इसमें क्या होता है कि वातावरणीय कुछ, आपने सुना होगा केमिकल्स का नाम और हार्मोन्स का नाम, तो यहां पर केमिकल्स बोले तो रसायन और हार्मोन्स का यहां पर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उससे यदि रसायन का अपन ज्यादा उपयोग कर लेते हैं या फिर हार्मोन का अधिक छिड़काव कर देते हैं ना, तो वहां पर बीज का क्या नहीं होता, अंकुरण नहीं होता है। ठीक है ना, तो क्या होता है यहां पर, रसायन एवं हार्मोन्स का छिड़काव। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या हुआ रीजन है, हार्मोन्स का और रसायन्स का क्या होता है, यहाँ पर छिड़काव किया जाता है। यदि अधिक मात्रा में यदि छिड़काव कर देते हैं ना, तो बीज का क्या नहीं होता, अंकुरण नहीं होता, और उसे अपन क्या कह देते हैं, बीज सुषुप्त अवस्था। डाउट क्लियर। अब एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं कि वे कौन कौन से रसायन है, कौन कौन से हार्मोन्स है, जिनका यदि अपन ज्यादा छिड़काव करते हैं ना, तो बीज का क्या नहीं होता, जर्मिनेशन नहीं होता। तो देखो बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट है ए बी ए, ए बी ए हार्मोन है, इसका पूरा नाम है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड पहला हार्मोन हो गया। इसके अलावा अधिक CO2, क्या है, अधिक CO2, फिर अधिक तापमान, अधिक तापमान और अधिक जल। ओके, यहां पर एब्सिसिक हार्मोन ले लिया, एब्सिसिक एसिड, अधिक CO2 ले ली, अधिक तापमान ले लिया, और अधिक यहां पर हमने क्या ले लिया, जल ले लिया। इनके कारण क्या नहीं होता, बीज सुषुप्त अवस्था में रह जाता है या फिर उसका जर्मिनेशन नहीं होता। थर्ड इसका टाइप होगा बच्चों, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, अब यहां पर टर्शियरी नाम ना देके हमने तीसरा नाम दे दिया, इम्पोज्ड, इम्पोज्ड या इम्पोज्ड का दूसरा नाम हम यहां पर लेंगे इनफोर्स्ड, इनफोर्स्ड, और इसको कह दिया बलकृत, इनफोर्स्ड, फोर्स का मतलब बल होता है बच्चों, फोर्स, तो इनफोर्स्ड क्या कह दिया, बलकृत। यहां पर बल मतलब प्रेशर, बल, दाब लगेगा, किस पर लगेगा, बीज पर लगेगा। मान लीजिए हम, ये हमारा खेत है, हम यहां पर बीज उगाना चाहते हैं, क्या उगा रहे हैं यहां पर, बीज, तो बीज पर किन्हीं कारणों से उस पर क्या लगा, एक विशेष प्रकार का क्या लगा, दबाव लगा। क्या लगा बच्चों, विशेष प्रकार का क्या लगा, दबाव, और ये बीज यहां से बहुत ज्यादा गहराई में चला गया। ठीक है, गहराई में चला गया तो अब इसको क्या क्या नहीं मिलेगी, यहां पर इसको वायु नहीं मिलेगी, इसको आर्द्रता नहीं मिलेगी, और इसको प्रकाश भी नहीं मिलेगा। और यदि ये तीनों फैसिलिटी यदि बीज को नहीं मिलती है तो उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो बीज के ऊपर एक विशेष प्रकार का प्रेशर लगता है जिसके कारण उसको नमी, आर्द्रता और प्रकाश नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब ये तीनों टाइप हो गए सीड डोरमेंसी के। प्राइमरी डोरमेंसी, इसको नाम इनोसेंट, इनोएंट दे दिया, ये अनुवांशिक गुणों के कारण होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो कठोर बीजावरण और भ्रूण का अपरिपक्व होना। ओके, सेकेंडरी डोरमेंसी, दूसरा नाम है इंड्यूस्ड, इसको अपन प्रेरित भी कहते हैं। यहां पर अपन रसायन और हार्मोन्स का क्या करते हैं बच्चों, छिड़काव, अधिक छिड़काव कर देंगे तो सीड का जर्मिनेशन नहीं होता, और वो अवस्था क्या हो जाती है अपनी, सीड डोरमेंसी। डाउट क्लियर। अब ऐसे से क्या, हार्मोन ले लिया, अधिक CO2 ले ली, तापमान ले लिया, और अधिक हमने क्या ले लिया, जल ले लिया।
तीसरा टाइप है बच्चों यहाँ पर इम्पोज्ड या इनफोर्स्ड या बलकृत। बीज पर एक विशेष प्रकार का बल लगता है जिसके कारण उसको नमी और ताप और जल नहीं मिल पाता, जिसके कारण बीज का क्या नहीं होता, जर्मिनेशन नहीं होता। अब देखो बच्चों ये तीनों स्टेज है ना, एक खरपतवार है जंगली जई एविना फटुआ, जंगली जई में ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसा कौन सा खरपतवार है या ऐसा कौन सा पादप है जिनमें सीड डोरमेंसी की तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, तो वो होगा जंगली जई। ठीक है, देखो बच्चों ये हमने बात की, इसके टाइप्स की बात कर ली हमने कि सीड डोरमेंसी के कौन कौन से टाइप है। अब हम बात करेंगे जो सीड डोरमेंसी है, क्या इसको तोड़ने के कोई उपचार है या फिर विधियां हैं। यदि सीड डोरमेंसी को अपन नहीं तोड़ेंगे तो अपने प्रोडक्शन में उत्पादन में बहुत ज़्यादा क्या आएगी, कमी आएगी। इसलिए सीड डोरमेंसी को तोड़ना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है ना, तो देखिए इसके मेथड्स की बात करते हैं। सुषुप्त अवस्था को तोड़ने की विधियाँ, सुषुप्त अवस्था को तोड़ने की विधियाँ, तोड़ने की विधियां, तो यहां पर चार से पांच विधियां हैं बच्चों जो मोस्टली इंपोर्टेंट है। तो देखो एक एक के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आएगी स्कैरिफिकेशन, सबसे पहली विधि कौन सी है, स्कैरिफिकेशन। और स्कैरिफिकेशन को अपन कहते हैं खुरचना, स्कैरिफिकेशन को हमने क्या कह दिया बच्चों, खुरचना। अब यहां पर क्या होता है, खुरचेंगे मतलब कोई भी जो परत होती है उसको अपन ऊपर से हटा देते हैं, सभी को पता होगा। तो अभी हमने टाइप्स में देखा था बच्चों की कठोर बीज आवरण, तो कठोर बीज जो कठोर बीज है, बीज के ऊपर एक आवरण होता है जो कठोर होता है, ठीक है ना। तो इस बीज को अपन क्या करेंगे, हटाएंगे इस आवरण को, तो वो किससे हटाएंगे, स्कैरिफिकेशन की क्रिया के द्वारा। जो ऊपर की जो क्रिया है ना, जो आवरण है उसको क्या कर देंगे बच्चों, हटा देंगे। हटा दिया तो फिर बीज का क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन यहाँ पर हो जाएगा। और ये अपन किस में करते हैं, पल्स क्रॉप में करते हैं। किस में करते हैं बच्चों, पल्स क्रॉप्स में, दलहनी फसलों में ये क्रिया अपन सबसे ज्यादा अपनाते हैं। पहली विधि हो गई। दूसरी विधि की यहाँ पर अपन बात करते हैं कि हार्मोन एवं रसायनों द्वारा। दूसरी विधि क्या होगी बच्चों, हार्मोन एवं रसायनों द्वारा, रसायनों द्वारा। देखो बच्चों यहां पर अभी हमने टाइप्स में भी बात की थी कि कुछ रसायन और कुछ हार्मोन का यदि अपन ज्यादा यूज कर लेते हैं ना, सीड डोरमेंसी आ जाती है और बीज में क्या नहीं होता, उसका अंकुरण नहीं हो पाता। तो यहां पर हमने फिर वही सेट पॉइंट्स ले लिया, हार्मोन एवं रसायनों द्वारा। तो कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ रसायन होते हैं जिनके कारण सीड डोरमेंसी को अपन तोड़ सकते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले यहां पर अपन बात करेंगे कि जिब्रेलिक एसिड, GA3, जिब्रेलिक एसिड के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, बीज सुषुप्त अवस्था को खत्म कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमने टाइप्स में भी देखा था और मेथड में भी ये क्रिया आएगी। तो जिब्रेलिक एसिड के द्वारा बीज की सुषुप्त अवस्था को क्या कर सकते हैं, अपन तोड़ सकते हैं उसके छिड़काव के द्वारा। सेकेंड पॉइंट यहां पर बनता है कि यहां पर थायो यूरिया लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, यहां पर थायो यूरिया। ठीक है बच्चों, अब यहां पर सबसे ज्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा हुआ है भी है कि थायो यूरिया। अब यहां पर एक मैं सब्जी की बात करूंगा या फिर आलू, किसकी बात करूंगा यहां पर, आलू पोटेटो। आलू में जो सुषुप्त अवस्था होती है, ठीक है ना, सुषुप्त अवस्था में उसका कंद का निर्माण अच्छे से नहीं होता। तो 1% थायो यूरिया से, मोस्ट इंपोर्टेंट है मात्रा को ध्यान रखना, 1% थायो यूरिया से आलू की सुषुप्त अवस्था को अपन क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। 1% थायो यूरिया से आलू की सुषुप्त अवस्था को क्या कर सकते हैं बच्चों, तोड़ सकते हैं। ये डाउट क्लियर है। थर्ड पॉइंट की यहां पर अपन बात करें, यदि ये जो सुषुप्त अवस्था ना, इसको यदि अपन शीघ्र, अभी क्या होती है अपने को काफी बार जल्दी भी रहती है कि ये काम मैं बहुत जल्दी करना चाहता हूं, तो यदि सुषुप्त अवस्था को शीघ्र तोड़ना चाहते हैं, शीघ्र तोड़ना चाहते हैं, तो यहां पर 10% किसका उपयोग करेंगे, KNO3 का, पोटेशियम नाइट्रेट का। इंपॉर्टेंट है बच्चों ध्यान रखना, यदि सुषुप्त अवस्था को शीघ्र प्रक्रिया से तोड़ना चाहते हैं तो 10% क्या लेंगे, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। ओके बच्चों, यहां पर हमने जिब्रेलिक एसिड ले लिया बीज सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए, थायो यूरिया लिया आलू की सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए, 1% हो गया यहां पर, और शीघ्र 10%, यदि शीघ्र तोड़ना है हमें सुषुप्त अवस्था को, तो KNO3 यहां पर हमने ले लिया।
अब यहां पर आता है कि कपास में भी क्या होती है बच्चों, सुषुप्त अवस्था होती है। कपास में भी क्या होती है, यहां पर सुषुप्त अवस्था होती है। तो कपास में सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए अपन क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कपास कॉटन गॉसिपियम स्पीसीज, ठीक है ना। तो कपास की सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए अपन क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर अपन यूज करेंगे। कितना, ये भी कितना होगा, 10% ही होगा। डाउट क्लियर है। यहां पर भी हमने शीघ्र तोड़ने के लिए 10% लिया और यहां पर भी हमने कपास के सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए कितना लिया बच्चों, 10%। दो पॉइंट के लिए। तीसरा पॉइंट है यहां पर लाल प्रकाश से उपचार। बच्चों लाल प्रकाश ना ये पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। लाल प्रकाश में पौधे बहुत जल्दी शीघ्र, या आप कहूं कि शीघ्र वृद्धि करते हैं। लाल प्रकाश पौधों के लिए सर्वोत्तम या सबसे अच्छा प्रकाश माना जाता है। तो लाल प्रकाश से तंबाकू, तंबाकू का जो अंकुरण होता है ना वो लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। लाल प्रकाश होगा तो तंबाकू में क्या नहीं होगा, बीज की सुषुप्त अवस्था नहीं बनेगी। फिर है बच्चों नेक्स्ट, गर्म जल से उपचार। गर्म जल से उपचार, ट्रीटमेंट करेंगे जल को, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। देखो बच्चों गर्म जल से उपचार की जो विधि है ना वो एक वैज्ञानिक ने दी थी और उस वैज्ञानिक का नाम है जैनसन, ध्यान रखना। गर्म जल से उपचार, गर्म जल से अपन बीज की सुषुप्त अवस्था को तोड़ते हैं, इस विधि के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, जैनसन ने बताया था। अब इस विधि में अपन करते क्या है कि इस विधि में सबसे पहले 5 से 10 मिनट के लिए पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 50 डिग्री से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, थोड़ी मात्रा में पानी लेंगे, 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल को गर्म करेंगे। कितनी देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए उस बीज को डालेंगे, गर्म पानी में डाल देंगे इतनी देर के लिए, ठीक है ना। अब बीज की जो सुषुप्त अवस्था जो परत है वो क्या हो जाएगी बच्चों, हट जाएगी, ठीक है ना। तो ये गर्म जल से हमने क्या कर दिया, उपचार कर दिया। फिर लास्ट यहां पर पॉइंट बनता है, यहां पर उष्मा उपचार, उष्मा उपचार हीट। देखो दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क क्या है, यहां पर तो हमने जल को गर्म किया है, यहां पर क्या देंगे, उष्मा देंगे, उसको हीट देंगे, गर्मी देंगे उसको। तो उष्मा उपचार में अपन क्या करते हैं कि उष्मा उपचार के बारे में भी एक वैज्ञानिक ने बताया था और उस वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर लुथरा, 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 ठीक है बच्चों। डॉक्टर लुथरा ने उष्मा उपचार के बारे में बताया था और यह उपचार अपन जून जुलाई के माह में करते हैं। कब करते हैं बच्चों, जून जुलाई या फिर मई जून के महीने में अपन करते हैं, क्योंकि उस समय तापमान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उस समय अपने को क्या मिलता है, हीट मिलती है। तो उस हीट में अपन बीज की सुषुप्त अवस्था को क्या कर सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं। तो बच्चों ये हमने बात की आज सीड डोरमेंसी के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीड डोरमेंसी के बारे में पढ़ा कि बीज को यदि सभी फैसिलिटी मिल जाती है, नमी ताप और वायु, उसके बाद भी नमी ताप और वायु मिलने के बाद भी यदि वो अंकुर नहीं होता है तो वो स्टेज बीज सुषुप्त अवस्था कहलाती है। फिर इसके हमने टाइप देखे, वो 3 है, प्राइमरी सेकेंडरी और इम्पोर्स या इनफोर्स्ड, ठीक है ना। इनोएंट फर्स्ट को नाम दे दिया और सेकेंड को हमने नाम दिया इंड्यूस्ड, ठीक है बच्चों। फर्स्ट में हमने देखा था वहां पर आनुवांशिक गुणों के कारण प्रक्रिया होती है, दूसरे में वातावरण रसायन और हार्मोन के छिड़काव के कारण, और तीसरे में बीज पर एक विशेष प्रकार का प्रेशर लगता है, बल लगता है, जिसके कारण बीज का अंकुरण नहीं होता। फिर हमने देखा बीज की सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के उपचार या उपाय या फिर विधियां। सबसे पहले हमने स्केरिफिकेशन देखा, खुरचना। खुरचने में क्या करते हैं, बीज का जो आवरण है उसको अपन क्या करते हैं, हल्का हल्का हटा देते हैं। सेकंड हमने देखा यहाँ पर हार्मोन और रसायन का क्या करते हैं बच्चों, छिड़काव करते हैं। एब्सिसिक एसिड का करेंगे, 1% आयो यूरिया का करेंगे, 10% के एनओ3 का करेंगे, ठीक है ना, H2SO4 का करेंगे। फिर लाल प्रकाश से उपचार किया, उसके बाद गर्म जल से किया और लास्ट में हीट उष्मा उपचार किया, ठीक है बच्चों। ये हमने आज सीड डोरमेंसी के बारे में पढ़ा, आई होप कि बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।